नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। मैं शाहरुख, आपका दोस्त, आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे शो नेगेटिव स्टॉक इन रेड कलर। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोई भी सेल का बिल बना रहे हैं और अगर आपकी कोई भी आइटम नेगेटिव जाती है तो वो हमें पॉपअप मैसेज ना दे, वो हमें एक रेड कलर पूरी रो को कर दे, जिससे हमें इजीली पता चल जाए कि हमारी कौन कौन सी आइटम नेगेटिव है और कौन कौन सी आइटम पॉजिटिव है। इस प्रॉब्लम को आज हम वैलिडेशन के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम समझनी है कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम किस तरह की आती है। देखिए, अभी होता क्या है, जब भी आप सेल का बिल बनाते हो, आप सेल में जाते हो, एड में जाते हो, उसके बाद जो आपकी डेट होती है, आप यहाँ से वो डेट डालते हो, पार्टी का नाम डालते हो, इंटर मार के मैं आगे आ गया। जैसे मैं इंटर मार के आ गया, जितनी मेरे पास आइटम थी वो सारी आइटम आ गई। मैंने मान लीजिए इस आइटम को 50 पीस सेल किया और नीचे आके देखेंगे तो उसका करंट स्टॉक 80 पीस है, लेकिन अगर मैंने इसे 80 पीस कर दिया और इंटर मार के आगे बढ़ गया तो ये मुझे किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं देता है और इससे मुझे पता भी नहीं चलता है कि मेरी कौन सी आइटम नेगेटिव जा रही है और कौन सी आइटम मेरी पॉजिटिव है। मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह की वैलिडेशन हो जो बिल बनाते वक्त मुझे इजीली बता दे कि ये आइटम मेरी नेगेटिव जा रही है और ये आइटम मेरी पॉजिटिव है। इसके लिए बीजी में हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे हम ये पता कर सकें कि हमारी कौन कौन सी आइटम नेगेटिव जा रही है। हाँ, बस हम ये तो कर सकते हैं कि इंटेंट मार के चेक तो कर सकते हैं कि मेरी आइटम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन हम कलर नहीं कर सकते कि कौन सी आइटम हमारी पॉजिटिव ब्लू कलर में शो हो जाए और कौन सी आइटम हमारी नेगेटिव रेड कलर में शो हो जाए। इसके लिए हमने वैलिडेशन बनाई है। वैलिडेशन को रिस्टोर करने के लिए आपको सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पे आना है, यूटिलिटीज पे जाना है, यूटिलिटीज के बाद कस्टमाइजेशन पे जाना है और कस्टम वैलिडेशन के अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा रीस्टोर, आपको रीस्टोर पे आना है। उसके बाद इस फोल्डर वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आपने फोल्डर वाले आइकन पर क्लिक किया, यहाँ पर वैलिडेशन आ जाएगी और आज जो हमारी वैलिडेशन है उसका नंबर है 17, तो हम यहाँ से वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, ये वैलिडेशन हमारी आ जाएगी। सिंपली इसको हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ये वैलिडेशन हमारी कॉपी हो जाएगी। जैसे ये वैलिडेशन कॉपी हो जाएगी, अब अगेन आपको सेल पे जाना है, एड पर आना है और अब यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। मान लीजिए मैं 20 तारीख को एंट्री कर रहा हूँ, मैंने 20 तारीख डाली, जो भी मेरी पार्टी का नाम था मैंने वो डाला, जो भी मेरी आइटम मैंने वो डाला। मान लीजिए मैंने इस आइटम को 50 पीस किया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने जैसे 81 पीस डाल के इंटर मार के मैं आगे बढ़ा तो अब आप देखिए बीजी ने मुझे ऑटोमेटिक इसको रेड कलर में शो कर दिया। अब मैंने एक और दूसरी आइटम ली, इसका स्टॉक मेरे पास 50 पीस शो कर रहा है, मैंने इसको 30 पीस सेल किया कुछ भी नहीं हुआ, मैंने इसको अगेन 10 पीस सेल किया कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने अगेन आइटम 1 को कितनी 82 पीस बेचा तो आप देखिए ऑटोमेटिक मुझे रेड कलर में शो हो जाएगा, जिससे बिल बनाते वक्त मुझे इजिली पता चल सकता है कि मेरी कौन कौन सी आइटम नेगेटिव है और कौन कौन सी मेरी आइटम पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आप इजिली जज कर सकते हैं कि मेरा स्टॉक नेगेटिव जा रहा है या फिर नहीं जा रहा। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपको बताया कि आप एक वैलिडेशन के थ्रू सेल वाउचर या जो भी वाउचर आप बनाना चाहते हैं उसको नेगेटिव स्टॉक को किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।